नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सारोस डिजाइन में। आज हम लोग एक ऐसे चीज के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका घर में डिजाइनिंग जैसे आप करना शुरू करते हो या अपने घर को आप बनवाना ही शुरू करते हो तो आपके मन में उसी वक्त ये ख्याल आता है कि हमारे घर में जो प्रॉपर वेंटिलेशन होगा या हवा आने जाने का आपके पास क्या साधन है। आपको ऐसा होता है ना कि हम लोग ये पूरा प्लान करते हैं कि कोई एक ऐसा वे हो आपके पास, कोई ऐसा एसेस हो जहां से आपका एयर और सनलाइट जो फ्रेशनेस है, फ्रेश एयर हो गया, ये सब आवागमन आपका आसानी से हो जाए, इसका आपका मूवमेंट बहुत अच्छा हो, प्रॉपर हो। इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कोई भी घर जब शुरुआत होता है तो हम लोग उसका विंडो का प्लानिंग बहुत जबरदस्त करते हैं, क्योंकि ये वो सेक्शन होता है जहां बहुत सारे लोग अपने इस कॉर्नर को ना सजा कर रखते हैं। अब बहुत जगह ऐसा भी आप देखोगे, पेटेंट करोगे कि लोग विंडो पे सीटिंग भी रखते ताकि उनको बाहर का व्यू अच्छा लगे देखने में। फिर आपको अगर आप इसको जाते हैं कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह में तो वहां भी आपको देखते होंगे कि ये सब जो एक पैटर्न होता है इसमें क्या होता है कि आपको एक अच्छे से वेंटिलेशन तो मिल ही रहा है, साथ में आपका बाहर का व्यू, सनलाइट, ये फ्रेशनेस वगैरह के लिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं। इस बेसिक में जब हम लोग आते हैं तो आपको तीन सेगमेंट मिलता है और हम लोग इसी तीन तरह के विंडो जिसका अभी हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे पहले में आपको आता है यूपीवीसी, दूसरे में आपको आएगा एल्युमिनियम और तीसरे में आएगा आपका वुडन। हम इस तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये तीनों विंडो क्या है, क्यों है और इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। क्योंकि चूंकि अगर हमारे पास तीन ऑप्शंस है तो तीनों के कुछ खासियत होगी और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पीछे में हमारी ये विंडोज भी यहाँ पे प्रॉपर प्लेस्ड है, यूपीवीसी आप देख लो, एल्युमिनियम भी है और वुडन विंडो भी आप देख सकते हो। अब इस सेगमेंट में हम चलते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है यूपीवीसी। अगर फुल फॉर्म की बात करें, अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीवेलन क्लोराइड इसका नाम है, पूरा नाम है। ये यूपीवीसी विंडो है। इसको बनाने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं कि प्लास्टिक का पाउडर है उसको हम लोग मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करने के साथ में इसको मोल्ड के साथ में रखकर मोल्ड में डाल के इसको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी मदद से ये प्लास्टिक शीट्स के जैसा तैयार होता है। फिर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं विंडोज के लिए, ठीक है। ये है आपका वो था। अब आपको जो ये वाला विंडो है, ये है आपको एल्युमिनियम विंडो। आप इसका स्ट्रेंथ वगैरह के लिए आप देखते होंगे कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इसको बनाने के लिए हम लोग, ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम विंडो नाम है तो हम लोग इसको पूरी तरह से एल्युमिनियम पे ही डिजाइन करते हैं। इसमें आपको एल्युमिनियम की जगह ये एल्युमिनियम एलॉय को यूज किया जाता है। इसके अंदर आप मैग्नीशियम या दूसरे अदर सब्सटेंस को जब हम लोग मिक्स करते हैं एल्युमिनियम के साथ में और जब वो एलॉय को फॉर्म करते हैं ना, तो उस एलॉय से ये विंडो को बनाया जाता है ताकि इसके स्ट्रेंथ को बरकरार रखा जाए, इसके स्ट्रेंथ को और डेवलप किया जा सके। तो इसलिए हम लोग प्योर एल्युमिनियम नहीं, इसमें हम लोग एल्युमिनियम एलॉय को यूज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये विंडो है, वुडन विंडो। वुडन विंडो बहुत ही कन्वेंशनल है, आप हर जगह इसको प्लांट करके आप देखते होंगे। लगभग आपको ऐसा पेटेंट करो, अगर आप कहीं विलेज साइड से हो या आपका स्मॉल टाउन है तो आपको मैक्सिमम जगह पे यही क्लासिकल विंडोज हम लोग को मिलता है। अब इसमें ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि मेरे पास जो लकड़ी है, जो वुड है मेरे पास, वो किसकी है, टी की है, साल की है, शीशम की है, आम की है, किस लकड़ी का हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग का ये विंडो डिसाइड होता है। और ये इतना ही लगभग आपको वुड ऐसा मिलता है जो हम लोग क्लासिकल विंडो बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गए हमारे बहुत सारे विंडोज। अब चूंकि अलग अलग विंडो हमारे पास अवेलेबल है तो इनके कंपेरिजन के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं जिसपे हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे कौन से विंडो को बनाया गया है तो क्यों बनाया गया और उसके कुछ पैरामीटर में किसको कहाँ यूज किया जाए, हम लोग उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले पैरामीटर में हम लोग आते हैं तो उसका नाम है आपका स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते होगे, एल्युमिनियम को आप अगर स्ट्रेंथ में नापोगे तो एल्युमिनियम टॉप पर आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग पर आप देखोगे तो एल्युमिनियम स्ट्रांगेस्ट होता है अमंग ऑल ऑफ देम। इसलिए आप इसको पब्लिक बिल्डिंग, जैसे कि अब हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, और भी ऑफिसेज हो गए, यहाँ पर आप इसको जनरली यूज में देखोगे। आप स्ट्रेंथ में जब बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे उसके बाद आपको आता है वुडन विंडो का, ये सेकंड स्ट्रांगेस्ट होता है। लेकिन ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों को एक कन्वेंशनल फॉर्मेट भी है, बहुत लोगों को ये बात पता होती है अच्छे तरीके से कि जैसे शीशम वगैरह की लकड़ी होती है बहुत स्ट्रेंथ होती है उसमें, तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप कौन सी लकड़ी को यूज करते हैं। बट इसको हम लोग सेकंड कैटेगरी में हम डालते हैं स्ट्रेंथ में। जो आपको लिस्ट है, जो इन तीनों में सबसे कमजोर पड़ता है वो है आपको यूपीवीसी, और ये आसानी से बेंड भी कर जाती है, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रायतः बाहर के जो वॉल होते हैं ना, हम लोग इसमें इसको यूज नहीं करते, एक्सटर्नल वॉल में यूज ना करके हम लोग इसको इंटरनल में ही ज्यादातर यूज करते हैं।
तो ये हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर हमारी पैरामीटर चल रही थी। अब जो हमारी दूसरी पैरामीटर आएगी वो आपकी आएगी इंसुलेशन की। जैसा कि हम सब लोग ऐसा चाहते हैं कि जो बाहर की वेदर हो उसको हम लोग सिर्फ देख पाए, हम लोग ऐसा बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करते कि बाहर की हमारी जो भी वेदर है, जो भी कंडीशन है, वो मेरे इनसाइड में है। मेरे को देखने में कोई चीज बहुत अच्छा लगता है बाहर में, बट वो नीड नहीं है कि वो चीज मेरे अंदर भी आ जाए। ठीक है, तो इंसुलेशन हम लोगों को इस सेक्टर में बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग इस पैरामीटर पर जब आप बात करते हैं तो इसमें आपको टॉप लेवल पर जो सबसे इंसुलेशन अच्छा देता है वो आपको आता है यूपीवीसी। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, मतलब बाहर की ना आपकी गर्मी बाहर की गर्मी आप अंदर नहीं ला सकते, अंदर नहीं आ पाएगी, बाहर की कोल्डनेस आप अंदर फील नहीं कर सकते। मतलब ये एक तरह से आपको वेदर प्रूफ है, वो रोक देता है ना, हॉट या कोल्ड आप कुछ भी है, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, वो अंदर उसको ट्रांसफर नहीं होने देता है। इसमें आपको दूसरे नंबर पे आएगी वुडेन को। तो वुडेन में क्या होता है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी स्लाइटर ज्यादा होती है, मतलब थोड़ी बहुत आपको यूपीवीसी से ज्यादा होगी, तो कुछ को अलाउ करती है ना, कुछ कोल्ड को अलाउ करेगी, कुछ हॉटनेस को अलाउ करेगी, बट सभी नहीं, कुछ पार्ट को अलाउ करती है, कुछ को रोक देती है। लास्ट में इस पैरामीटर पे जो सबसे लास्ट में आपकी आएगी वो आएगी एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो ये आपको कोई चीज रोक नहीं पाएगी। जो बाहर की गर्मी है वो आप अंदर भी फील करोगे, जो बाहर की ठंडी है वो भी आप अंदर फील करोगे, क्योंकि कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है, वो इजिली ट्रांसफर कर देती है हीट या कोल्डनेस को। तो इस पैरामीटर में इतना था। अगले पैरामीटर पर हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेंसर और कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कि जैसे वेदर का इसमें बहुत सारा इफेक्ट आता है, तो हम लोग चेक करते हैं इसके अगले पार्ट, इसी पार्ट में क्या है। तो जो इसमें हम लोग देखते हैं तो आपको सबसे एक नंबर पे जो टॉप पर आपको आएगी वो आएगी यूपीवीसी। जैसे यूपीवीसी में ऐसा होता है कि आप 10 साल तक भी अगर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो इस पे ना बारिश का, सूर्य का, सन का, विंटर का हो, समर का हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं, इसको वेदर पे कोई खास इफेक्ट होता नहीं है, जिसके कारण ये ना तो सिकुड़ते हैं ना ही फैलते हैं। और इसके जो शेप, जब चूंकि ना तो ये सिकुड़ेंगे ना ही फैलेंगे, तो ये इनका जो शेप होता है वो लगभग सेम ही होता है, ये थोड़ी बहुत भी मूवमेंट नहीं होती। इसमें जो आपको दूसरे नंबर पे आएगी वो आएगी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में आपको सूर्य और बारिश का फर्क तो नहीं पड़ता है, बट थोड़ा बहुत फर्क आपको कोल्ड और हॉट का आएगा आप में। और चूंकि इसके कारण आपकी थोड़ी बहुत, अब चूंकि कोई कॉन्ट्रैक्शन और अलाउबल है, यहाँ थोड़ी बहुत आ जाती है, उसके कारण ये शेप अपने थोड़े बहुत ही चेंज कर लेता है। लास्ट में इसकी आएगी वुडन, जो इसके इस पैरामीटर में सबसे लास्ट में आएगी। ये इजिली अफेक्टेड हो जाता है, मतलब बारिश हो रहा है तो भी इस पे इफेक्ट आ जाएगा, सन अगर ज्यादा हो रहा है तो भी इफेक्ट आ जाएगा आपका। तो इसलिए आमतौर पर ऐसा देखा गया कि समय समय पर यहाँ पे हेवी केमिकल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ताकि इसको हम लोग शेप वगैरह को हम लोग बरकरार रखें, डैमेज ना दिखे। हम लोग का जो अगला पार्ट आता है वो आता है टर्माइट रेसिस्टेंस। तो ये एक बहुत ही जरूरी पैरामीटर है, क्योंकि हम लोग जब घर वगैरह बनाते हैं तो आप देखे होंगे प्रायः कि कुछ सेगमेंट में ऐसा होता है कि टर्माइट का अटैक हो जाता है, वहां पर आपके अच्छे खासे कोई इक्विपमेंट रखे हो सकते हैं, या कोई आपका डिजाइन वगैरह होता है वहां पर टर्माइट आकर के वो आपको दिक्कत देता है, परेशानी का सबब बन जाता है। तो वहां हम लोग को बहुत इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब खिड़की भी हमारा एक ऐसा पोर्शन है जहां हम लोग टर्माइट फ्री रहे, वहां पर आए नहीं। तो इस लेवल पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो सबसे पहले आपको यूपीवीसी और एल्युमिनियम, इन दोनों ही में आपको टर्माइट नहीं लग सकती, ठीक है, इसमें टर्माइट का कोई डर नहीं होता। लेकिन आपको वुडेन में थोड़ी स्लाइट कॉन्शियस आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि टर्माइट इसमें आसानी से लग जाते हैं, और इसमें बहुत ही जरूरी है कि आप केमिकल ट्रीटमेंट को टाइम टू टाइम करते रहें, और विंडो प्लेसमेंट के पहले भी आप इसको ट्रीटमेंट करवा लें, केमिकल ट्रीटमेंट करा लें टर्माइट प्रूफ, टर्माइट फ्री रहने के लिए, तो मच बेटर है आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगले पैरामीटर की ओर चलते हैं। अगला पैरामीटर आता है फायर असिस्टेंस। फायर असिस्टेंस आप आमतौर पर देखोगे ऐसा होता है कि खुदा ना खास्ता किसी के घर में कुछ अनहोनी घटना घट गई, कहीं आग वगैरह लग गया, तो भागने का, एस्केप करने का एक ये भी एक जरिया होता है, ये भी रास्ता होता है कि हम लोग विंडो की तरफ से कूद के भाग जाते हैं। तो इसलिए आमतौर पर हम लोग देखते हैं ये भी एक पैरामीटर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पैरामीटर पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसमें भी आपको टॉप लेवल पर जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो है यूपीवीसी। यूपीवीसी में ये खासियत है क्योंकि ये प्लास्टिक की प्रोडक्ट है एक तरह से आप मानो तो इसमें क्या होता है 3.5 से 4 घंटे आप आसानी से आग को ये प्रिवेंट करके रख देता है, उसके बाद ये बेंड होना शुरू होता है। एल्युमिनियम में बेंड तो नहीं होता,
बट ये बहुत आसानी से ये आग को रोक के तो रख सकता है, बट क्या होता है एल्युमिनियम में कंडक्टिविटी चूंकि बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा ये गर्म हो जाता है, तो इसलिए इस पैरामीटर पे हम लोग इसको सेकंड नंबर पे रखते हैं। और लास्ट में आपकी वुडन आती है, जो आप लोग को भी अच्छे से पता होता है कि जब भी ये आग तो रोक नहीं पाएगी, उल्टे आग को सहारा देती है और ये एज ए फ्यूल वर्क करना शुरू कर देती है। तो इस पैरामीटर में हम लोग वुडन को सबसे लास्ट में रखते हैं। अगले पैरामीटर की ओर हम लोग चलते हैं, तो अगला पैरामीटर हम लोग का कोरोजन आता है। कोरोजन ये टर्म बहुत सिंपल है, आप सब लोग को अच्छे से पता होगा कोरोजन में होता क्या है। तो देखते हैं इसमें आपको, आप ऐसा देख लोगे यूपीवीसी चूंकि प्लास्टिक की प्रोडक्ट मैंने पहले ही बताया था, इसमें कोरोजन का कोई डर नहीं है, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। वुडन में आपको कोरोजन तो नहीं लगती है, बट कुछ समय के बाद ये डैमेज दिखाई देने लगते हैं। तो कोरोजन के हिसाब से आप देखोगे तो ये वुडन हमारा सेकेंड लेवल पर आता है, लास्ट में आएगा एल्युमिनियम। अगर आप इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करते तो कोरोजन आना बहुत ही आसान चीज है और एल्युमिनियम में आ जाते हैं अगर आप इसको टाइम टू टाइम रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो। अगले पैरामीटर पे हम लोग आते हैं, तो हम लोग ये भी ऐसा चाहते हैं कि साउंड प्रूफ हो हम लोगों का, जो बाहर का आवाज हो शोरगुल हो वो हमारे घर तक नहीं आ, जब हम लोग विंडो अपना बंद कर देते हैं तो जो शोर हो बाहर है, जो हम लोग अंदर बात करो वो साउंड भी बाहर नहीं जाए, तो उसके लिए साउंड प्रूफिंग बहुत जरूरी चीज होता है। तो इसको भी अगर हम लोग एक पैरामीटर मान करके आगे इस पर एनालिसिस करते हैं, इस पैरामीटर में भी आपको तो सबसे टॉप पर आएगा, जो आपको सबसे टॉप पर दिखाई देगा वो आपको यूपीवीसी होगा। साउंड इंसुलेशन अगर आप देखोगे तो यूपीवीसी में सबसे ज्यादा होती है और ये बहुत ही कम साउंड को इनसाइड या आउटसाइड जाने के लिए अलाउ करता है। दूसरे नंबर पे आपको आएगी वुडन, इसकी साउंड इंसुलेशन क्वालिटी है वो सेकेंड नंबर पर आती है, मतलब यूपीवीसी से थोड़ा कम साउंड को रोक पाता है, बट ये भी अच्छे एक्ट करते हैं। और लास्ट में इस पैरामीटर पर जो सबसे लास्ट में आता है वो आपका एल्युमिनियम आएगा, और ऐसा आप मान के चलो कि ये साउंड को ना रोक पाएगी, इससे आप साउंड बिल्कुल इंसुलेट नहीं कर पाते। बट एक बहुत ही जरूरी बात ये है, आमतौर पे आप ऐसा देखोगे और आपको समझ में भी आएगा कि साउंड को रोकने के लिए जितना ज्यादा ये तीनों जो तीनों हमारी फॉर्मेट है इनसे कहीं ज्यादा ये डिसीजन होती है हमारी ग्लास पे, जो ग्लास हमारी विंडो में लगी होती है ना वो सबसे बड़ा मटेरियल मान लीजिए जिस पर रिस्पॉन्स रहती है कि आप साउंड प्रूफिंग कैसे करते हैं। तो ये एक पैमाने के तौर पर हम लोग देखते हैं, तो ग्लास का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगले टर्म में हम लोग चलते हैं, तो अब ये भी एक पैरामीटर है क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं, बदलते रहती है, और अब तो गवर्नमेंट छोड़िए हम लोग के साथ भी एक हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग वैसे प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करें जो इको फ्रेंडली हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग को ही इसी इको फ्रेंडली में ही रहना होता है। तो इको फ्रेंडली को अगर हम लोग पैरामीटर मानते हैं तो वहां पर भी आपको यूपीवीसी सबसे टॉप पर दिखाई देगी। यूपीवीसी इसमें क्या होता है, इसको बनाने में एनर्जी बहुत कम होती है यूज, और नेचुरल रिसोर्सेज तो हम लोग इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करते। और दूसरे नंबर पर हमारी आएगी एल्युमिनियम, ये एनर्जी तो हाई कंज्यूम करती है बट इसको आप इजिली रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इस पैरामीटर में आप देखोगे तो एल्युमिनियम हमारी सेकंड नंबर पर आती है। थर्ड पे आएगी आपकी वुडन, जिसको बनाने में आपको अच्छे से पता होगा एनर्जी तो ज्यादा लगी रही है, और इसको बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ को भी काटे जाते हैं ना, चॉप हो जाते हैं वो। एक बार अगर ये यूज में आ गई तो आप इसको सिर्फ फ्यूल के जैसा यूज करते हैं, जो हम लोग धीरे धीरे आज दिन पर हम लोग इसको प्रेफर भी नहीं करते लगाने के लिए, क्योंकि फ्यूल के रूप में इसको क्या यूज करना, हमारे पास अदर भी ऑप्शन होते हैं हमारे जलावन वगैरह के लिए। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स थे जिसको हम लोग अभी तक चेक कर रहे थे, और इन सब पैरामीटर पर आप देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी विंडो को कहाँ लगानी है। तो इस वीडियो में इतना ही, बट जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में। हमारी फर्म है सारूस डिजाइन के नाम से, जिसमें हम लोग इंटीरियर और आर्किटेक्चर के लगभग सभी काम को करते हैं, डिजाइन वगैरह सब कुछ करते हैं। और आप चाहते हैं कि इंटीरियर में कोई आपको प्रोफेशनल हेल्प की नीड हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के वेबसाइट वगैरह चेक कर सकते हैं।